अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्ले स्टोर के बारे में और ऐप स्टोर के बारे में कि प्ले स्टोर क्या है और ऐप स्टोर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इसकी मेजर डिफरेंस है उन मेजर डिफरेंस पर हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम फोकस करें प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर जो प्लेटफॉर्म है वो एंड्रॉयड या गूगल को हम कह सकते हैं कि गूगल की प्लेटफॉर्म है, ऐप स्टोर जो है वो आईफोन का प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों को अगर हम देखें, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, दोनों जो है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। और जब रिलीज़ किया गया था तो प्ले स्टोर जो अब रिलीज़ किया था तो 22 अक्टूबर 2008 को रिलीज़ किया था, और ऐप स्टोर जो है 10 जुलाई 2008 को रिलीज़ किया था। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी गेम्स पर बात करें या इसकी और कैटेगरीज पर बात करें तो गेम्स प्ले स्टोर की जो है 26% गेम्स लोग अपलोड करते हैं, यानी ऐप स्टोर की जो है वो 14% लोग उसको अपलोड करते हैं। तो इसकी ये मेजर डिफरेंस था। और इसकी हम प्राइस करें, अगर अकाउंट पर बात करें तो प्ले स्टोर की जो अकाउंट है वो $25 में आप बना सकते हो उसकी अकाउंट यानी लाइफ टाइम। ऐप स्टोर की जो अकाउंट है वो $99 में आप बना सकते हो यानी पर ईयर। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इन दोनों से हमें ये पता चल गया कि ऐप स्टोर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू प्ले स्टोर की। अगर हम इसके हाइस्ट प्राइस की बात करें, हाइस्ट की जो ऐप है प्ले स्टोर की वो $200 है, यानी ये इसकी जो हाइस्ट प्राइस है। अगर हम ऐप स्टोर की बात करें तो उसकी $999 इसकी प्राइस है हाइस्ट ऐप की। और इस तरह अगर पेड ऐप्स पर हम बात करें तो प्ले स्टोर में 9% ऐप्स जो है वो पेड है, और ऐप स्टोर में जो है वो 45% ऐप जो है वो पेड है। और इस तरह अगर हम एवरेज की बात करें तो प्ले स्टोर में 4.1 डाउनलोड्स होता है एवरेज के हिसाब से। अगर हम ऐप स्टोर की बात करें तो 6.2 इसकी एवरेज के हिसाब से डाउनलोड होता है। और इस तरह अगर हम इसकी कोडिंग पर बात करें तो प्ले स्टोर की कोडिंग जो है या एंड्रॉयड की जो कोडिंग है वो बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू प्ले स्टोर की, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरी है ये एंड्रॉयड की वो जावा और C++ सी में बनता है, और जो ऐप स्टोर जो है उसकी ऑब्जेक्टिव सी और C++ इसमें बनता है। अगर हम इस डिके की बात करते हैं तो इस डिके भी इस तरह है, जो एंड्रॉयड की इस डिके है वो जावा में और C++ में, और जो एंड्रॉयड ऐप स्टोर की है या आईफोन की जो विंडो है तो हम उसको यानी वो है ऑब्जेक्टिव C++। और इस तरह अगर हम क्लाउड मैसेज की मैनेजमेंट की बात करें तो क्लाउड मैनेजमेंट जो है उसकी जहां पर ऐप को स्टोर करता है या जहां पर लोग ऐप को अपलोड करते हैं तो प्ले स्टोर की जो है वो है गूगल यानी प्ले स्टोर है, और आईफोन की जो है वो आईट्यून है। तो आपने अगर ऐप को डाउनलोड करना है तो आईफोन पर आपने विजिट करना है। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।